जुनून से भरते हुए, इच्छा शक्ति के साथ, बाधाओं को रोकते हुए, निरंतरता के साथ बढ़ते हुए हम एक दिन मंजिल पा लेंगे। ये सफर पलायन का नहीं, ये निरंतरता का है मंजिलों पे चढ़ने की। जिंदगी रुकने का नाम नहीं, ये जुस्तजू है सिर्फ आगे बढ़ने की। याद रखना, हारेंगे तो कभी है ही नहीं, प्रॉब्लम्स आएंगी, बाधाएं आएंगी। आज एक छोटी सी कहानी, ये कहानी है उत्तर प्रदेश की उस बच्ची की, जिस बच्ची ने मुझे कहा कि सर, मैंने दो बार इंटर होने के बाद दो बार मैंने एग्जाम दिया और मैं असफल हो गई, और लोगों ने मुझे कहना शुरू कर दिया कि तू पागल हो चुकी है, तू कभी सफल नहीं होगी। ये कहानी है राजस्थान के सीमावर्ती जिले के उस बच्चे की, जो विकलांग पैदा हुआ और उसे किसी इंसान ने कहा कि जब तू विकलांग पैदा हो गया, तू इतना अभागा है, तू राज्य की नौकरी में कैसे जाएगा। ये कहानी है उस महिला की, जिसने अपने दूध पीते बच्चे को अपने से अलग करके राज्य की राजधानी जयपुर में जाकर अपने उस नन्हे मुन्ने बच्चे के सपने को बुनने के लिए अपने ममत्व प्रेम को बंद करके दबाकर। और वो माँ एक तैयारी में जुटी हुई मुझे कहती है कि सर, मैं असफल हो गई तो क्या होगा। ये कहानी है राजस्थान के उस प्रत्येक बेरोजगार अभ्यर्थी की, जिसने अपनी आंखों में सपने देखे हैं, लेकिन उन सपनों को जब वो टूटते हुए और किसी बाधा को आते हुए देखता है, तो उसके सपने आंखों के आंसुओं में बह जाते हैं। ये कहानी है हर उस घर के उस चिराग की, जो उम्मीद लेकर आता है, और उन उम्मीदों के सामने जब कोई भी बाधा आती है, तो उन बाधाओं के सामने हार के कहता है, सर मेरा नहीं हुआ तो क्या होगा। इन पांचों बिंदुओं का जवाब मैं कहानी के माध्यम से दे रहा हूं। और ये जो अंतिम कहानी है वो कहानी है देश के उस महारत्न की, देश के उस महारथी की, जो पेट्रोल पंप पे काम करके दुनिया का इतना बड़ा उद्योगपति बना, और जिसने कहा कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए ना पैसा चाहिए, ना दौलत चाहिए, ना आपको डिग्री चाहिए, आपको केवल एक चीज चाहिए, और वो है निरंतरता। निरंतरता यदि आप में है, तो बाधाएं आएंगी, लेकिन वो बाधाएं रोक नहीं सकते। मैं हमेशा इस प्रसंग को ऑफलाइन क्लासेस के माध्यम से बच्चों को बताता हूं, पर्सनलिटी जब पढ़ाता हूं, उसी प्रसंग को मैं बता रहा हूं कि धीरू भाई अंबानी जो पेट्रोल पंप पे काम करते थे, वो इंसान इतना बड़ा कैसे बना, उनकी एक कहानी जो आप सभी लोगों को ये बताएगी, जो छोटी छोटी बाधाओं के आने पर, छोटे छोटे तानों के सामने ये कहने लग जाते हैं कि सर हार गए तो क्या होगा। मैं हारने नहीं दूंगा आप लोगों को, क्योंकि जीतने के लिए हम आए हैं, तो हार कैसे जाएंगे। धीरू भाई अंबानी एक बार एक छोटी सी गाड़ी में अपने ड्राइवर के साथ और जा रहे थे, तो स्वाभाविक है जब सफर शुरू होगा तो सफर में, याद रखना, प्रॉब्लम्स आएंगी, बाधाएं आएंगी, लोग भी रोकने की कोशिश करेंगे, परिस्थितियां भी रोकने की कोशिश करेगी, आपका शरीर भी हो सकता आपको रोकने की कोशिश करे, और भौतिक बाधाएं तो हैं। जब धीरू भाई अंबानी निकलते हैं घर से, तो जैसे ही घर से निकले और बहुत तेज बारिश का दौर शुरू होता है, तो ड्राइवर कहता है कि साहब बारिश बहुत तेज हो रही है, कहीं हम रुक ना जाएं, कहीं हम फंस ना जाएं। लेकिन साहब उस इंसान ने तो ठान रखी थी, वो इंसान तो कमजोर इंसान था ही नहीं, उसने कहा नहीं चलो कुछ नहीं होगा, कुछ देर चलते हैं और आगे देखते हैं कि बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। जैसे ही बारिश तेज शुरू होती है और ड्राइवर फिर से कहता है साहब गाड़ी को रोक लें, हो सकता है गाड़ी फंस जाए। धीरू भाई ने कहा थोड़ा सा और चलो। ड्राइवर डर रहा था, परिस्थितियां डरा रही थी, वातावरण डरा रहा था, और सड़क पे चल रहे वाहन डरा रहे थे कि कहीं फंस गए तो क्या होगा।
धीरू भाई अंबानी ने कहा चलो। कुछ दूर चलने के बाद बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है, जो साइड गाड़ियां चल रही थी वो गाड़ियां धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती हैं। ड्राइवर ने कहा कि साहब नजदीक में होटल है, हमें रुक जाना चाहिए, कहीं हम बड़ी प्रॉब्लम में नहीं फंस जाएं। धीरू भाई अंबानी ने हंसते हुए कहा नहीं, थोड़ा सा और चलो। फिर गाड़ी चलती है, थोड़ा दूर और आती है तो आने के बाद ड्राइवर देखता है कि सड़क पे पानी बहुत भरा हुआ है और आगे जो गाड़ी जा रही थी वो भी रुक जाती है। ड्राइवर का जो आत्मविश्वास है वो कमजोर होता जा रहा है। रोड पे लोग जो खड़े हैं वो मौसम को यूं देख रहे हैं कि बहुत डरावनी आफत है और ये गाड़ी कैसे जा रही है। ड्राइवर से रहा नहीं गया, उसने कहा कि साहब हमें रुक जाना चाहिए। धीरू भाई अंबानी ने कहा मेरे कहने पे थोड़ा सा और चलो, और वो गाड़ी आगे और चलती है और आगे चल के आती है और जैसे यहां पहुंचती है, बहुत तेज बारिश थी। अब ड्राइवर ने हिम्मत हार के कहा कि साहब हम अपनी जिंदगी का खतरा ले रहे हैं। धीरू भाई अंबानी ने कहा मेरे कहने पे थोड़ा सा और चलो, गाड़ी आगे चलती है, लोग देख रहे हैं क्योंकि लोग तमाशाबिन हैं, ये कायरों की फौज है जो आपको हराने के लिए बैठी है, जो आपको डराने के लिए बैठी है, जो आपको रोकने के लिए बैठी है, लेकिन जो ये जिंदगी में ठान के चला है उसे ना कोई रोक सका है ना कोई रोक पाएगा। वो चले और कुछ दूर चलने के बाद देखते हैं कि मौसम एकदम साफ था। मौसम क्या था? एकदम साफ था, एकदम मौसम साफ है, एकदम मौसम साफ, एकदम मौसम साफ हो गया। ड्राइवर ने धीरू भाई अंबानी की तरफ देखा कि साहब आपको कैसे पता कि आगे मौसम साफ मिलेगा? उनके शब्द थे जिंदगी ने आज तक यही सिखाया है, जिंदगी ने आज तक यही सिखाया है। वो प्रारंभिक बाधाएं हैं, वो पहली बाधा जब घर से निकले तुम्हारे दिमाग में एक नकारात्मक विचार आया, फिर आगे तेज बारिश हुई वो दूसरी बड़ी बाधा थी, फिर जब गाड़ियां रुकने लग गई वो तीसरी बड़ी बाधा थी, और चौथे जब लोग आपकी तरफ देखते हैं कि देख कैसे पागल लोग हैं जा रहे हैं बारिश के मौसम में, वो पांचवी बाधा थी। लेकिन यदि आप में निरंतरता है तो उन सब बाधाओं को हराते हुए आप एक ऐसी जगह चले जाओगे जहां केवल आपका मुकाबला आपसे होगा। ना कोई गाड़ी थी, ना इधर गाड़ी थी ना उधर गाड़ी थी, जो कमजोर लोग थे वो सब रुक चुके थे, वो पीछे देख रहे थे, कोई होटल पे रुक गया, कोई सड़क किनारे रुक गया, कोई वापस चला गया। यही तो कंपटीशन है, यही तो परीक्षाएं हैं, यही तो जिंदगी है कि यहां कायर लोग आते हैं।